सुबह खैर वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम का मेजबान अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है बताइएगा जनाब कैसी तबीयत है आप सभी की आपकी अच्छी सेहत के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं ऊपर वाले से और हम उम्मीद रखते हैं कि जब आप अपने अपनों के लिए दुआएं मांगते होंगे तो आप हमें भी नहीं बोलते होंगे मौसम ठंडा है बीगा है गीला है और ऐसे मौसम में नमकीन चाय नौश फरमाने का अपना अलग मजा है और जनाब मौसम के एतबार से हम जानते हैं कि देर नहीं लगती अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें मौसम बदलने में और जिस तरह पहली पेशगोई की गई थी मौसम के तालुक से पेशगोई के न मुताबिक बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला फिलहाल एक दो दिन जारी रहेगा उम्मीद की जा रही है कि ट्यूजडे से मौसम में बेहतरी आएगी सुधार आएगा और मौसम के ताल्लुक से जो मजीद मालूम है वो मैं आगे, आगे आप तक पहुंचाऊंगा आज के दिन के ताल्लुक से बात करें आज हफ्ते का दिन है वीकेंड सैटरडे अक्टूबर की तेईस तारीख चौदह सौ तैंतालीस तो हिजरी के रबी अल अवल की आज सोलह तारीख है हालांकि हम जानते हैं कि मौसम के एतबार से जब तब्दीली रोनमा होती है जब बारिशें होती हैं बर्फबारी होती है या जब दर्ज हरारत में कमी रोनमा होती है तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल महदूद हो जाती हैं अच्छा नहीं लगता कि हम घर से बाहर निकलें हम खेल कूद में शमूलियत करें या आम हालात में जिस तरह हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं इवनिंग वॉक्स पर चलते हैं वो सब कुछ बड़ा डिस्टर्ब होता है हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ठंड से बचने के लिए जितना हो सके एक अच्छे कोजी वार्म एटमॉस्फियर में रहना होगा लेकिन इसकी भी बेहद जरूरत है कि मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो हम वुल कपड़े पहने हम गर्म कपड़े पहने और हम घर से निकले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर करें जितना हो सके अगर बाहर से बारिश हो रही है तो ऐसे में आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो अपने घर में ही कोशिश करें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जितना हो सके उतनी कसरत करें, ताकि आप, आ, का जिसम फिट रहे क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग ओबेसटी के शिकार हो रहे हैं मोटापे के शिकार हो रहे हैं और मोटापा दावत देता है बहुत सारी बीमारियों को हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप हर बीमारी से पाक रहे दूर रहे लेकिन आपसे दरख्वास्त आपसे गुजारिश यही होगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें हालांकि हम अगर हुकूमती सतह के इकदाम की बात करें कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर भर में उस किस्म की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए पैदा की जाए जहां पर नौजवान जाएं खेलें कूदें और इस तालुक से बड़ी बेहतरी आई है पिछले चंद वर्ष के दौरान हम देख रहे हैं कि वादी भर में बल्कि जम्मू कश्मीर भर में हम देखते हैं कई सारे स्टेडियाज कायम किए गए हैं और इस तरह हम देखते हैं इंडोर हॉल्स बहुत सारे हैं जहां पर बच्चे इंडोर गेम्स में हिस्सा लेते हैं अगर हम श्रीनगर शहर की बात करें यहां पर एक तो तारीखी इंडोर स्टेडियम था ही जो वजीर बाग इलाके में वाका है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अब बिल्कुल दूरदर्शन श्रीनगर के मुसिल यहाँ पर हम देखते हैं। और एक आ, स्टेडिया शुरू किया गया है और एक इंडोर स्टेडियम कायम किया गया है आ, मल्टी फैसिलिटी स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडिया जहाँ पर कुछ दिन कबल मेरा जाना हुआ एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में तो मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे बढ़ चढ़कर इंडोर गेम्स में हिस्सा ले रहे थे और इस स्टेडियम इंडोर स्टेडिया के मैनेजर मोहम्मद इकबाल से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश होते हैं जिस किस्म का इंथ्यूजियाजम और वलवला हम नौजवानों में देखते हैं बच्चों में देखते हैं खेल को लेकर तो इस किस्म की ये जो तब्दीली आ रही है ये बहुत ही काबिल सताइश है और इस किस्म की फैसिलिटी सिर्फ शहरी इलाकों तक की महदूद नहीं रखी गई हैं गांव देहात में भी हम देखते हैं कि अब सिंथेटिक टर्ब्स डेवलप की जा रही हैं पहले आ, हम सोचे थे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे कश्मीर में भी और दूर दराज इलाकों में भी खेलकूद के हवाले से इस किस्म की फैसिलिटीज होंगी लेकिन अब वो ख्वाब शर्मंदाई ताबीर हो रहा है खैर कूद के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आज जुड़े रहिएगा हमारे साथ हर दिन की तरह 9 बजे तक और हम कोशिश करेंगे कि लाइव कमेंट्स भी आपके हम प्रोग्राम इंक्लूड करें तो उसके लिए क्या करना होगा आपको अभी तक भी अगर आपने हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप YouTube पे जाएं, डी डी सर्च करें हमारी ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्रामों को आप 24 फोर इंटू सेवन देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारी यूट्यूब चैनल पर और गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में हम आपको ये मौका भी देते हैं कि आप चाहें तो आप लाइव कमेंट भी करें हरियाणा मौसम के हवाले से जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि आपको तफसीलात दे दूंगा कि किस तरह का मौसम रहेगा आज दिन का मैं खरा मौसमियात की पेशगोई है आज दिन के हवाले से कि मजीद बारिशें होंगी श्रीनगर में नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का दर्जे हरारत रहने की पेशगोई की गई है और जम्मू के हवाले से कहा गया है कि गरज चमक के साथ जम्मू में भी बारिशें होंगी और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का दर्ज हरारत रहेगा इस हवाले से पीशन गोई हम तक पहुंची है महकम मौसमियात की और लह लद्दाख के हवाले से कहा गया है कि 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का दर्ज हरारत होगा और वहां भी बारिशें हो सकती हैं और जनाब अगर हम हमारे यहां की शहराओं की बात करें एन एच यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक गया, गया है क्योंकि रामबन के मकाम पर कैफेटेरिया मोड़ के नजदीक पसियां गिर आई हैं और इस तरह अगर हम बात करें मुगर रोड की मुगर रोड के बेशतर मकाम पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है जिस वजह से इस शहरा पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त को फिलहाल बंद कर दिया गया है हम बात करेंगे सोनमग कारगिल रोड की इस शहरा पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद है क्योंकि इस शहरा पर भी कई एक मकामत पर बर्फबारी हो रही है اچې پروګراموک د صلاح کاران که چې مو سې کی سیت یا باكن زبانونو مې يمې سې بېت اکس بند چکرې مې صدا بند چکرې مې اچې ته متوهتامت واتنام ته ډېر خوشی که ساه يلتوي پن فیډبیک استا متواتنام شو یا تاسو چې کوم ځای ملاقات غسان پچېتوي کونی مخصوص بهات کې حواله ونان زه سوبېت هز اوس زبردست ښکليط میاس کورنو سوبړ خوش ته اچې امسېت जवाल त मजीद कूशि कररूरत जि नई नई बर्थ करो रिकार्ड नई नई आवाज वान तो ताम वी फील एप्रशिएट इस ये तु कर कह मेल क्यो कमेंट कशन दिवान तुम तो रााए स खाूरी सठा अहम तो यम पोगराम सुंद तवक वाबस तुम्हें तविख वो यह प्रोगी प्रोगग्राम तहत खैर आज मौसी इंतुट प्रोगामक आगा वा सठी खूबसूरत बर्थ ताम तो प्लो तुर्क मेहमान सतं मुलाकात तुजू वह पन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मार्ंग जे एंड के नई आवाज कश मौसे के दवाल नरगिस्त मुदसर इस नगम सरा सठ ही खूबसूरत बर्थ ऐसे नगमों को ही हम कहते हैं कि ये मॉर्निंग वाले नगमे हैं ऐसा नगमा जो सुनने के बाद पूरे दिन के लिए आपका मूड सेट हो जाए आपका दिल करे कि आज दिन के हवाले से जो भी मेरे प्रोग्राम है या जो भी मेरा काम है वो सारा मैं मुकम्मल करके ही छोड़ूंगा हमारी कोशिश भी यही रहती है कि मॉर्निंग में जब हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करें एक जोश एक वलवला आप में पैदा हो ताकि आप अपने अपने काम में मसरूफ हो जाएं और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से निभाएं और खेलकूद के हवाले से हम जानते ही हैं कि इसकी अपनी अहमियत है अफादियत है खासकर चुस्त दुरुस्त रखने के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है खेल के हवाले से प्रोग्राम में आगे बात होगी फिलहाल रुकेंगे फटाफट एक वकफा ले लेंगे आप देखते रहे अपना फिर ब्रेकफास्ट शो हम गए और लौट के आए जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है शक्ति सरिया क्वालिटी जी जनाब हम अगर क्रिकेट खेल की बात करें क्रिकेट को दीवानगी की हद तक देखा जाता है खेला जाता है और इसके दीवाने पूरी दुनिया में हैं लेकिन हिंदुस्तान में इस मुल्क में इसका जोश लोगों में कुछ ज्यादा ही है वही क्रिकेट के साथ साथ कई ऐसे दूसरे खेल भी हैं जिन खेलों में हमने हमेशा कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के नौजवानों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई है और जिनों की हद तक इस खेल में हिस्सा लिया है और इस खेल ने भी कश्मीर को बहुत कुछ दिया है इस खेल ने हमें बी सतह के खिलाड़ी दिए हैं कोच दिए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल खेल के बारे में फुटबॉल के साथ मुंसलिक हमारे दो नौजवान एक नौजवान जिनकी अपनी एकेडमी चल रही है उम्र में काफी कम है उन्नीस साल छोटे से नौजवान लेकिन इनमें काफ़ी जोश है जज्बा है इस खेल को लेकर और दूसरे दोस्त जो महकमे यूसेस एंड स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं लेकिन निजी तौर पे ये अपने गांव में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इन दोनों दोस्तों का आपको मैं तारफ देता हूं। हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में समीर अहमद नदाफ जो फुटबॉल के कोच हैं और कश्मीर फुटबॉल अकेडमी इलीट कश्मीर फुटबॉल अकेडमी के साथ ये मुनसलिक हैं बल्कि ये अकेडमी इनकी अपनी है आपका बहुत बहुत इस्कबाल बहुत शुक्रिया आप तशरीफ आवर हुए और दूसरे मेहमान का तारफ आपको कराऊँ मेरी बाई जानब हैं सरफराज नबी डार सरफराज फुटबॉल के रेफरी हैं प्लेयर हैं इन्होंने कई आ, मैच में हिस्सा लिया है इन्होंने कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया है और जम्मू कश्मीर के कई अहम मैच जिनके ये रेफरी रहे हैं आपका भी बहुत बहुत इस्कबाल सरफराज बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का क्या आप तशरीफ आवर हुए हम मैं चाहूंगा कि आज बड़े बेतकलफ अंदाज से एक इन्फॉर्मल तरीके से हम तीनों दोस्त फुटबॉल खेल के हवाले से और ओवरऑल खेल कूद के तालुक से जो स्नैरियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर भर में उस तालुक से बात करें आगाज हम बातचीत का आपसे करते हैं हमें बताइएगा सबसे पहले अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपना तारफ कराए जी मेरा नाम समीर है जी तो मैं सोरा से आया हूँ अभी तो मैं अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ अच्छा खुद आप अभी पढ़ते हैं बारहवीं जमात में जी सर कहाँ पर पढ़ते हैं जी मैं पढ़ता हूँ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा वंडरफुल अच्छा ये बताइएगा हमें कि अभी आप उम्र में काफी कम है लेकिन इस किस्म का काम करना ये कोई आसान बात नहीं है जहाँ पर अपनी एक एकेडमी आप चलाते हैं और आप कोच की हैसियत से बच्चों को नौजवानों को तरबियत करते हैं इस खेल की खुद आप किस तरह माइल हुए इस खेल के साथ मैं खुद खेलने जाता था उस ग्राउंड में जहाँ पे मैं अभी बच्चों को सिखाता हूँ okay. तो एक दिन क्या हो गया तो ऐसे ही मैं ग्राउंड में घुस गया तो मैंने सोचा था मैं खेलने जाऊंगा उधर पे मैंने दो चार बच्चों को देखा था hmm. वो कुछ उदास थे। लगे आपको जी जी, जी तो मैंने उनसे बात की मैंने बोला क्या बात है आप क्यों ऐसे बैठे हो ये कब की बात है ये लॉकडाउन में जब तो कोविड ने तो सबको उदास ही कर दिया ना कोविड से कौन खुश है कोविड okay. की वजह से okay. तो मैंने उनसे फिर बात की तो उन्होंने बोला मुझे उन्होंने बोला समीर बया हाँ। तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि ना मेरा कोई भाई है ना कोई मेरी बहन है तो मैंने भाई सोचा आपको भाई, भाई तो बोला इन्होंने तो मैं भी इनको छोटे भाई की नजर से देखूं तो okay. उन्होंने बोला कि समीर भैया हम कुछ खेलना चाहते हम ग्राउंड में आए हमें लेकिन कुछ समझ नहीं आता क्या खेले क्या करे तो मैंने सोचा अगर मैं खुद आता हूँ खेलने तो मैं इन बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दूँ तो वैसे ही मैं मेरे उधर पे एक अंकल थे मुर्सलिन अंकल तो उन्होंने भी मुझे आइडिया दिया आप ऐसे करो मेरे दो बच्चे हैं घर पे मैं उन्हें भी ले आऊँगा और आप इनको भी कराओ तो मैंने उस हिसाब से फिर एकेडमी स्टार्ट की ओके तो धीरे 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 फिर वो बढ़ती गई बच्चे भी आने लगे बहुत सारे ओके okay, तो इस वक्त कितने बच्चों को नौजवानों को आप ट्रेन कर रहे हैं अभी में सेवेंटी लगभग वंडरफुल सत्तर जी जी दैज अ गुड नंबर आपसे मजीद बात करेंगे आपके शौक के बारे में और आपके काम के बारे में बाई जानब जो सरफराज नबी डार तशीफ फर्मा हीज अ गुड फ्रेंड और इनसे ये सवाल अगर मैं पूछूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी तारीम तरबियत तो जरा अजीब सा लगेगा लेकिन नाजीन के लिए सरफराज आप हमें बता दें जो पूरी दुनिया में आपको देखते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं तो उनके लिए बताइएगा सरफराज कि आप रहने वाले कहाँ के हैं आपकी तरबियत तालीम कहाँ हुई और स्पोर्ट्स महकमे के साथ किस तरह मुंसलिक हुए जी वैसे भी मेरा नाम सरफराज नबी डार है मैं नोपोरा क्लान सोपोर रफियाबाद से ताल्लुक रखता हूँ जी तो मेरी स्कूलिंग मेरे गाँव गवर्नमेंट हाई स्कूल नोपोरा से हुई जी उसके बाद हायर सेकेंडरी सोपोर से मेरी ट्वेल्थ मैंने किया आफ्टर दैट ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से की राइट तो लेकिन साथ ही साथ स्पोर्ट्स के साथ मेरा ताल्लुक बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि जो मेरा गांव है वो नौपोरा क्लान, जो है उसे छोटा बंदन के नाम से भी जाना जाता है पूरे okay. स्टेट में हुँ. तो वहाँ पे खेल कूद के हवाले से हमेशा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वो चाहे कबड्डी हो फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो आ, तो मैं भी बचपन से ही फुटबॉल में इंटरेस्टेड था एज ए प्लेयर और उसके बाद एज ए रेफरी हाँ तो प्लेयर के साथ साथ जब मैंने पार्टिसिपेट किया क्योंकि आप कितना भी खेलो तो विदाउट ऑफिशल आप मैच कंडक्ट नहीं कर, कर सकते हैं। हैं। right. कितने भी आप इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस करो एक मैच तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपके पास रेफरीज हो इफ यू डोंट हैव द रेफरीज आप मैच को कंप्लीट नहीं, नहीं कर, कर, पाते नहीं कर सकते जैसे एक खिलाड़ी चाहता है कि वो नेशनल लेवल पे जाए इंटरनेशनल लेवल पे जाए रिप्रेजेंट करे अपने स्टेट को अपनी कंट्री को उसी तरह एक रेफरी का भी है कि अगर वो कोई रेफरी बनना चाहता है उसको ऑप्शन है रेफरिंग में और वो जा सकता है और रेफरी बन सकता है मैंने भी साथ साथ मेहनत की लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं अब गांव के सतह पे मैं मैच कर रहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच कर रहा था नहीं जब मैंने सोचा मैं हायर लेवल पे मुझे जाना है प्रोफेशनल हाँ। लेवल पे मुझे जाना है तो हमारे यहाँ जैंड के स्टेट में नजीर अहमद भट्ट साहब है जो एच ओ आर हेड ऑफ रेफरी जैंड के हैं जी तो वो पहले ऐसे शख्सियत है हमारे स्टेट के जो नेशनल रेफरी बने, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से नेशनल रेफरीज नेशनल रेफरी हैं जो नेशनल लेवल पे मैच किया करते करते हैं लेकिन अब वो हेड ऑफ रेफरीज जे के हैं तो मैं उनके पास गया उन्होंने मेरी गाइडेंस की तो उनके उन्होंने मैं, मैं जो मैंने क्लासेस वहाँ से अटेंड किए तो उसके बाद तो मैं एज अ रेफरी बना लेकिन इसमें कैटेगरीज होती है अगर आपको रेफरी बनना है तो इसमें कैटेगरी होता साहब किस कैटेगरी के रेफरी हैं मैं इस वक्त कैटेगरी थ्री ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से हूँ क्वालिफाइड okay. रेफरी हूँ okay. तो कैटेगरी थ्री जो हम, हमारे स्टेट के जो एच आर ओ है वो कंडक्ट करते हैं आफ्टर दैट उसका नेशनल एग्जाम होता है कैटेगरी टू के लिए आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है ईयरली एक एग्जाम करती है उसमें थ्री स्टेजेस होते हैं तो इंशाल्लाह हम इस साल जनवरी में जा रहे हैं अपने स्टेट से कुछ लड़के जा रहे हैं इस साल तो उसमें स्टेज होती है तीन स्टेज होते हैं पहला हमारा आ, फिजिकल टेस्ट होता है ओके okay. उसके बाद थेटिकल एंड प्रैक्टिकल होता है लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए ईयरली आपको एटलीस्ट अपने स्टेट में थर्टी मैच करवाने करवानी करवानी और वो ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन होती है आपका तो रिकॉर्ड बाजबता रहता है कि नहीं आ, अगर सरफराज न है तो कैटेगरी थ्री रेफरी नहीं है ये, थर्टी मैच ऑफिशियल की से शमूलियत की है और वो पूरा रिकॉर्ड रहता होगा दारे के पास उसके बाद ही ये तय करते होंगे वो कि किसे कौन से स्टैंडर्ड का रेफरी करार दिया जाए खैर आपके साथ इस दिलचस्प मौजु पर मजीद बात करेंगे क्योंकि जिस तरह आपने वजह फरमाया कि किसी भी खेल के हवाले से पहली नजर हमारी इसी चीज पर होती है कि हम परफॉर्म करेंगे हम खेलेंगे लेकिन किसी भी खेल को मुनद करने के लिए प्रोफेशनली आपको कई लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम ऑफिशल्स कहते हैं रेफरीज कहते हैं और इसमें भी बड़ा स्कोप है जिस तरह सरफराज कह रहे थे बड़ा स्कोप है कि अगर आप रेफरी का कोर्स करते हैं उसके बाद आप कौमी सतह के मुकाबलों में बल्क सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकते हैं एंड आई एम श्योर कि अगर हम पैसे के अतबार से देखें मालिक के एतबार से देखें तो इसमें काफ़ी गुंजाइश होगी कि जो नौजवान इसके साथ मुनसलिक हो जाए उनकी रोजी रोटी बेहतरीन तरीके से चल सकती है उस पर जरा देर बाद आएंगे दोबारा आते हैं आपकी और समीर ये बताइएगा हमें जाहिर सी बात है कि किसी खेल के जब आप कोच बनते हैं उस खेल के जो बुनियादी जरूरियात हैं बुनियादी लवाज़मात हैं वो सब आपको मालूम होने चाहिए लेट्स टॉक अबाउट इन अबाउट इट इन कश्मीरी अगर इस फुटबॉल के हवाले को चू फुट बालस मिल पद करम खलस मु बुनियादी जान तानू तो जी गंद कह पर प्लेयर पर्दे पर कर तैयार कर तथ कह करो तरबियत यह कत हू तुम पान मैने खुद उतना मतलब मैं प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हूँ तो मैं यूट्यूब से देखता था अच्छा और मैं बच्चों को ट्रेन करता था बहुत यूट्यूब पर वि मतलब कोई ड्रिल थी वो मैं यूट्यूब से सीख कर खुद पहले सीखता था उसके बाद सुबह मैं जाता था उधर ग्राउंड पे तो फिर मैं बच्चों को सिखाता था वंडरफुल बहुत अच्छा जी ठीक तो इससे ये आया होता है कि अगर आप में कमिटमेंट हो किसी काम के हवाले से तो आपके लिए कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती है जी जी बस यह है कि आप में इच्छा हो कि कोई काम करना है जी अरे ये बताइएगा कि, कि प्रैक्टिकली जब आप ग्राउंड में जाते हैं बच्चों को आप खिलाते हैं बच्चों को खेलने के लिए कहते हैं उनकी तरबियत करते हैं वालदेन का कैसा अप्रोच आप देखते हैं बच्चे के पेरेंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं ग्राउंड में वो okay. प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड में ओके okay. तो आप आ, मेरा एक पहला भी इंटरव्यू हो गया था वो वीडियो हो गया था एक शेयर तो उधर पे पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारे बच्चे पहले डल थे अब उनमें आज बहुत सी इंप्रूवमेंट होती आ गई जी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था जी बच्चे बहुत सारे डल हो गए थे तो उनमें जब वो खेल का जोश आया फुटबॉल खेली या मैं जरूरी नहीं था फुटबॉल ही खेलना मैंने बोला भी था कि कोई भी गेम चाहे क्रिकेट हॉकी फुट कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो हर कोई खेल सकता है इंडोर और आउटडोर के जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी सर uh -huh. तो फिर मैंने स्टार्ट किया था ये बच्चों का बच्चों की एकेडमी, तो फिर बहुत बच्चे इम्प्रूव हो गए बहुत ज्यादा राइट वंडरफुल आपके तजुबा के हवाले से हम आगे और बात करेंगे सरफराज आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप तजुर्बा याफ्ता हैं कई बरस से आप खेल के साथ खुद मुनसलिक हैं एज ए प्लेयर आपने जम्मू कश्मीर को रिप्रजेंट किया है कौमी सतह के मुकाबलों में आप कबड्डी का खेल जरूर खुद उसमें इंटरेस्टेड थे लेकिन ये बताइएगा हमें कि अगर हम ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर भर में मैं आपकी तशरीफ आवरी से कबल बात कर रहा था कि अब ये फैसल्टी सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद नहीं रही अब गाँव देहात में भी कई ऐसे स्पोर्ट्स स्टेडियाज बनाए जा रहे हैं जहाँ पर नौजवान जाते हैं खेलते हैं तो इससे कितनी आपको बेहतरी लगती है कि खेल कूद के हवाले से हमारे यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी जी अजर साहब जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर Thank हम you. पहले की बात करें चूँकि अगर हम स्टेट की बात करें तो सबको पता है कि यहाँ के वेदर कंडीशंस हमें अलो नहीं करते कि हम बारह महीने अपने खेल को लड़के अपने खेल को जारी, कर, जारी रख सके जी। तो लेकिन जब वो नेशनल लेवल पे वो जाते थे वहां पे प्रॉब्लम्स होती थी उनके परफॉर्मेंस क्योंकि अगर हम छह महीने खेलेंगे तो छह महीने हम घर में रहते हैं ड्यू टू स्नोफॉल या वेदर कंडीशन तो नेचुरली हमारी परफॉर्मेंस तो कमजोर हम कमजोर पड़ जाएंगे लेकिन गवर्नमेंट ने अब ऐसे इनिशिएटिव लिए आप देख लीजिए अभी हमारे पास टर्फ नहीं थी आप टीआरसी आर श्रीनगर में जब आ, टर्फ लगी पहली बार जब टर्फ लगी जब लड़कों ने वो एक्सपीरियंस उनको हुआ तो पहले ये बात तो नहीं थी हमारे लिए क्योंकि हमारे पास टर्फ नहीं थी जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जी तो अब श्रीनगर की बात अगर हम करें यहाँ पे टर्फ्स हैं या इंडो स्टेडियम्स हैं तो जो चाहे बारिश हो या बर्फबारी हो लड़के अपने प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ अब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि गाँव गाँव स्तर पर डिस्ट्रिक्ट में भी अब आ, या स्कूल्स में भी जो यूथ एंड स्पोर्ट्स की हम बात करें जो भी हमारे पास हॉकी टर्फ ए, एक, एक ही थी वो जम्मू में थी लेकिन हम साउथ कश्मीर की बात करें वहां पे भी इंटरनेशनल हाँ स्टैंडर्ड की हॉकी टर्फ लगी अब टैलेंट हमारे पास है लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास है हो तो हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम स्कूल की बात में कर रहा था अभी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने तो रिसेंटली जो है बास्केटबॉल के कोर्स दे वॉलीबॉल के कोर्स कोर्स दे कंक्रीट में या टर्फ लगाई अभी बारामूला में भी एक आई थिंक हॉकी की एक टर्फ लग रही है तो जैसे साउथ कश्मीर में बारामूला में लेकिन अब जब लड़कों के पास प्लेयर्स के पास अब फैसिलिटीज आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया दैट मीनस की विंटर में भी वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी या नेशनल लेवल पे भी जब हमारे लड़के जाएंगे तो वहाँ पे माशाल्लाह हम आ, करेंगे नेचुरली एक्शन हम कर लेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अब गवर्नमेंट संजीदा है okay. तो गांव के जहाँ से मैं हूँ नौपुरा वहाँ पे भी एक इंडो स्टेडियम जो है अलर्ट हुआ है अभी उसके लैंड आइडेंटिफाई हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से right. तो माशाल्लाह अब वहाँ पे भी इंडोर स्टेडियम लग रहा है और आई थिंक पंचायत लेवल पर भी हो रहा है जी जी हर जगह जिस किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि काफी तवज्जो मरकूज की जा रही है खेल कूद की और, और हम देखते हैं कि अब आ, शब के दौरान रात के दौरान खेल कूद में बच्चे इंटरेस्ट लें हिस्सा लें पहले ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता था लेकिन जिस तरह अब फ्लड लाइट्स नस्ब की गई हैं कई ऐसे प्ले फील्ड्स हैं जहां पर फ्लड लाइट्स हैं जहां पर बच्चे या नौजवान रात के दौरान भी शाम के वक्त भी खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं खासकर जो हम टी की सिंथटिक टर्प की बात करें वहाँ पर हम देखते हैं कि इवनिंग के दौरान कई मैच्स का इनका होता है और उसमें नौजवान बढ़ हिस्सा लेते हैं और हाल ही में एक फुटबॉल के बड़े फैन हैं इस प्रोग्राम में भी शामिल हुए हैं खुद तो वो आर्टिजन है उन्होंने कहा बोला कि चूँकि दिन भर काम के साथ मुंसलिक होते हैं मसरूफ होते हैं तो दिन में वक्त नहीं मिलता है कि हम कोई मैच देख पाए लेकिन फुटबॉल का मुझे काफ़ी जुनून है शाम के वक्त हम चलते हैं अपना काम खत्म करने के बाद हमारे लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी होती है और चूँकि फरागत के लम्हत होते हैं तो उन फरागत के लम्हत को हम इंजॉय करते हैं टी आर सी सेंथटिक टर्फ वहां जाके मैच देख के खैर खेल कूद के तलुक से मजद बातें होंगी आप जुड़े रहिएगा हमारे से बने रहिएगा बराबर नौ बजे तक अखबार की सुर्खियां भी जरा बाद आप तक पहुंचाएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए जम्मू कश्मीर का हरदिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है शक्ति सरिया एमआर का क्वालिटी मुल्क का वर आई सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले एक साल से वादी कश्मीर में ऐसे बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है उसमें तकरीबन तकरीबन तीन सौ ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके जिनकी शादी को दस पंद्रह पंद्रह साल हो गए थे उनके घर में औलाद नहीं थी वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया आज उनके घर में खुशियां हैं मेरी शादी को हुआ था तेरह साल मैं कई अस्पतालों में गया लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे दो बच्चे हुए जुड़ गए अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं, तो तशरीफ लाइए वरदान आई वी एफ सेंटर मगरबल बाग श्रीनगर फॉर अपॉइंटमेंट कॉल नाइन एट वन फोर जीरो टू वन डबल नाइन वन याद रहे उनतीस तीस और इकतीस अक्टूबर को वरदान के डॉक्टर्स की टीम मगरबल बाग श्रीनगर बे औलाद जोड़ों का इलाज करने श्रीनगर तशरीफ ला रही है राइट right, uh, मैं uh, देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स हमें मिले हैं uh, यूट्यूब आरोप uh, वो कमेंट्स मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा एटलीस्ट वो कमेंट जरूर इंक्लूड करूंगा जिन कमेंट्स में मेहमानों के लिए कोई सवाल हो लेकिन फिलहाल अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का वक्त हो रहा है हम शुरुआत करेंगे एक मकामी अंग्रेजी रोजनामे की एक खबर की सुर्खी से अमित शाह थ्री डे जे एंड के विजिट बिगनस टुडे यूएच क्यू नीट श्रीनगर शाहजा डायरेक्ट फ्लाइट फ्लैग ऑफ इंट्रैक्शन विद पी आर आई रिप्रेजेंटेटिवज लिंग फाउंडेशन स्टोन ऑफ टू मेडिकल कॉलेजेस ऑन एजेंडा दो अखबार है मेरे पास और इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा ईदी मिलादुलनबी सल्ला वसल्लम की अख्तामी तकरीब दरगाह हजरत बल और दीगर मसाजिद खानकाहों में इजमात का इनकाद मुसलमान हर नमाज के बाद मोए पाक अहजू सल्ला वसलम की दीदार से हुए फैजिया उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा मौसम के तलु से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिशों का आगाज वादी में सरमाई करवट सपहर चौबीस अक्तूबर से तीन नवंबर तक मौसम खुश्क रहेगा सर्दी बढ़ेगी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा कोड उन्नीस के तालुक से जम्मू कश्मीर में कोरोना मजबत मामला में कदर इजाफा पंद्रह रोज बाद मुतासरीन की तादाद एक सौ से ज्यादा एक सौ आठ टेस्ट मजबत श्रीनगर सरफहरिस्त दोनों सूबों में कोई अमवात नहीं अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा एक अंदरूनी सफे पर खबरशाई हुई है इसी खबर की सुर्खी का इंतबा मैंने किया है अखबार से जो मैं आपकी खबर में पेश करने जा रहा हूं इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस इन जे एंड के ओके चीफ सेक्रेटरी ओके डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के और मेरे पास जो आखिरी अखबार बचा है इस अखबार में अक्सर बेशतर वी द पीपल उन के तहत अवामी मसाइल को उभारने की कोशिश की जाती है आज की खबर की सुर्खी है फ्लाई ओवर हैदरपुरा कंस्ट्रक्टेड एट ह्यूज कॉस्ट लैक्स फैसिलिटीज प्रिस्क्राइब बाई आई नीड्स अटेंशन ये थी अखबार की सुर्खियां और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में खेल कूद के तालुक से किस किस्म का माहौल बन रहा है उस पर और बिल्कुल बिलखसूस बात हो रही है फुटबॉल खेल के हवाले से हमने दो नौजवानों को प्रोग्राम में दावत दी है जो फुटबॉल खेल के साथ मुनसलिक हैं हमारे साथ हैं समीर अहमद नदाफ और सरफराज नबी डार आप दोनों से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे लेकिन यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के, के जरिए मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट्स हमें पहले ही मिले हैं और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि हमारे नाजरीन में से कोई नाजिर हमसे खफा हो जाए नाराज हो जाए क्योंकि आप हैं तो ये प्रोग्राम है आप हमें देखते हैं तभी प्रोग्राम के चार चांद लग जाते हैं सबसे पहला जो कमेंट में पढ़ रहा हूं आप हैं मीर हैदर आपने प्रोग्राम की तारीफें की हैं निहार कयूम ने भी प्रोग्राम की बड़ी तारीफें की हैं मीर मोहसिन भी लिखते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर को प्रोग्राम में दावत दें आपने अगर कल का प्रोग्राम देखा होता कल के प्रोग्राम में ही हमने एक इस्लामिक स्कॉलर को प्रोग्राम में मधुख किया था उनसे बात की और वानी मकबूल आप दुआएँ बेचते हमारे लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर वानी भी सलाम दुआ भेजते हैं आपका भी बहुत शुक्रिया और इसके साथ साथ में देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनमें सलाम दुआ ही आप बेज रहे हैं तो मैं आपका नाम लेता हूँ आप हैं मुदसर नबी सज्जाद वानी डॉली टिक्कू और आ, बासिम फारूक अहमद इशरत कादरी आपने प्रोग्राम की बड़ी तारीफें की बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान गुट्टू रुतबा जान पीरद बशीर अहमद रिहान जियान एजाज अहमद आपकी आ, जो आपके कमेंट है इसकी भी हम आ, बड़ी सराहना करते हैं प्रोग्राम को आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को आप सराहते हैं थैंक यू वेरी मच मुदसर नबी दोबारा कमेंट करते हैं टुडेज गेस्ट आर वेरी स्पेशल थैंक यू वेरी मच और सबा खान भी प्रोग्राम की काफी तारीफें कर रही हैं आफाक मीर ने भी प्रोग्राम के हवाले से तारीफों के पुल बांधे हैं बहुत बहुत शुक्रिया तोकीर तारिक मीर अजहर हाशमी अक्सर बेशतर ई सॉरी कमेंट करते हैं थैंक यू वेरी मच अजहर साहब अब्दुल रशीद ओके आपने भी प्रोग्राम की बड़ी तारीफें की है सुबिया रशीद अरासिया शफी हकीम फैजान आकेब रैना आशिक महताब मुश्ताक मुगलू और भी बहुत सारे कमेंट्स है नहीं मुमकिन हो पाएगा कि मैं सारे कमेंट्स इंक्लूड करूं अस्मा कादरी का कमेंट आ, बड़ा खास है बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच खैर मैं कमेंट तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन आपने नई ख्वाहिशात का इजहार किया है और बड़ी तारीफें है की हैं थैंक यू वेरी मच अस्मा थैंक यू वेरी मच और जनाब अब हम आते हैं उस अनाउंसमेंट की और जिस अनाउंसमेंट का आप में से बेशतर दोस्त इंतजार कर रहे होंगे खासकर वो दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया था जिन्होंने अपनी दरखास्तें जमा की थी दूरदर्शन की कोशिट चैनल के साथ मुंसलिक होने की गर्ज से मैं बात कर रहा हूं उन दोस्तों की जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो एंकर की हैसियत से हमारे प्रोग्रामों में शामिल हो जाएं आपके लिए कल के प्रोग्राम में भी हमने आ, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी कि आपको कब आना है हमारे यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में ऑडिशंस के लिए स्क्रीन टेस्ट के लिए तो आपको बता दूं कि उन दोस्तों का जिन दोस्तों का ताल्लुक बारामुल्ला बांडीपुरा और कुफाड़ा के साथ यानी नॉर्थ कश्मीर के साथ मुंसलिक जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और जिन्होंने ईमेल रिसीव किया है ईमेल जिन्हें मिला है कि आ, आप आ जाएं और पार्टिसिपेट करें ऑडिशंस में उन्हें आज 10 बजे यहाँ रिपोर्ट करना है दूरदर्शन श्रीनगर में दूरदर्शन श्रीनगर बिल्कुल जीरो ब्रिज के मुतसिल है टीआरसी के नजदीक है तो आपको आज 10 बजे रिपोर्ट करना है और जिन दोस्तों का ताल्लुक साउथ कश्मीर के अनंतनाग कुलगाम पुलवामा और शपैया अजला से है वो 25 तारीख को उन्हें रिपोर्ट करना होगा 25 तारीख को उनका ऑडिशन होगा 10 बजे आप रिपोर्ट करें और 26 को 26 तारीख को यानी ट्यूसडे को 10 बजे रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम गांधरबल और श्रीनगर यानी सेंट्रल कश्मीर के साथ जो मुंसलिक एप्लीकेंट्स हैं वो 26 तारीख को रिपोर्ट करें ये थी एक जरूरी इतला हम आप के लिए यही दुआ करते हैं कि आपका इंतब हो और आप गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में शमूलियत करें एंकर्स होस्ट की हैसियत से आते हैं आज के मौजू की और दोबारा आपसे जानना चाहेंगे हम समीर कि जिस तरह आपने कहा कि आप खुद तलब इल्म हैं लेकिन आप में शौक है फुटबॉल खेल को लेकर आप बच्चों की तरबियत कराते हैं वालदे बच्चों को काफी सराहते हैं वालदे खुद लेके आते हैं बच्चों की तरबियत करने के लिए क्या आप जब छोटे थे आपके बचपन में भी इसी किस्म का माहौल था या माहौल कदरे मुख्तलिफ था जहाँ पे मैं अभी हूँ मतलब जिस ग्राउंड में मैं सिखाता हूँ अभी बच्चों को वहां पे ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं राइट मतलब कि बच्चों को सिखाया जाए मतलब कोई कोचिंग हो राइट right. मतलब वो फर्स्ट टाइम हुआ है उधर सोरा में हाँ. एक एकेडमी खोली गई है और जो इतने टाइम तक चली इस साल इतने टाइम तक चली और उतने बचे सेवेंटी बचे विद गर्ल्स चल रही है ओके okay, ओके okay. जी समीर देखिए आपने खैर अपने बचपन की बात कही आप हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन सरफराज और मेरे बचपन में तो ऐसा मामला था घर वाले कहते थे कि लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब लेकिन अब उसका उल्टा है ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप खेल कूद में भी दिलचस्पी लेते हैं आप अपना करियर बना सकते हैं आप ऊंची ऊंची मंजिलों को हासिल कर सकते हैं आपने कई सारी तस्वीर हमें भेजी हैं अपनी आप जब मैदान में होते हैं तो किस अंदाज से आप बच्चों की तरबियत करते हैं या खुद किस तरह खेलते हैं वो तस्वीर हम चाहेंगे हमारे नाजियों भी देखें और उन फोटो फोटोज के हवाले से हम आपसे जानकारी भी हासिल करेंगे जरा प्लीज चलाए जी ये बताइएगा ये फोटो कहां की है कौन सा इवेंट था जी इस दिन ये प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे तो एंड में इन्होंने बोला सर फोटो एक खींचते हैं तो ओके और, ये जहां पर आप तरबियत कराते हैं बच्चों की भी तस्वीर जी ये खत्म होने के बाद था फिर इनका कूल डाउन कूल डाउन कैसे बच्चों को करवाते हैं वंडरफुल बहुत खूबसूरत माहौल में आप बच्चों की तरबियत कराते हैं फुटबॉल खेल के हवाले से बहुत दिल खुश होता है कि छोटे छोटे नौनेहा छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनकी जिस्मानी वर्जिश भी होती है दिमाग भी ताजा तरोताजा हो जाता है और बुरी आदतों से वो दूर रहते हैं सबसे बड़ी बात तो वही है आजकल देखा जाए अच्छा तो। ये ड्रिलिंग आप ऐसे जी जी बहुत जबरदस्त क्या टाइमिंग रहती है जब आप बच्चों को इसमें तरबीत देते हैं तो इसके लिए कोई मखसूस टाइमिंग है दिन जी एक्चुअली अभी देखा जाए तो अभी तो ठंड है बाहर से सुबह बहुत ठंड होती है तो टाइमिंग चेंज करनी पड़ी जब समर्स थे तो उन दिनों छह बजे में स्टार्ट करवाता था एकेडमी तो स्टार्ट होता था उनकी एकेडमी का टाइम तो अभी अब देखा जाए तो सात साढ़े सात बजे जाना होता है ग्राउंड में ओ, उनको प्रैक्टिस कराने। ओके देखिए आपने कहा कि इस वक्त सत्तर बच्चे एनरोल्ड है आपकी एकेडमी में आज आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम को लोग बहुत शौक से देखते हैं तो अब ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि सत्तर की जगह सात सौ सात हजार भी हो सकता है तो जी, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए कि आप किन बच्चों को लें किन नौजवानों का इंतखब करें ट्रेनिंग के लिए मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इतना कहूंगा कि ज्यादा बड़े तो मैं ले नहीं सकता जो मेरे ऊपर बड़े मैं उनको ले सकता हूँ जो मेरी एज से कम है तो मैं चाहता हूं कि बच्चे जो है घर पे बैठे हुए अभी भी हालांकि अभी भी स्कूल्स ओपन नहीं हो गए तो मैं चाहता हूं जो घर पे है वो आए ग्राउंड में हम मेरा ग्राउंड मेरी एकेडमी खुली है सबके लिए बताइए तो कहाँ आना है सोरा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का जो प्ले फील्ड है वहीं आप प्रैक्टिस करवा जी, जी, जी। ओके तो वहां आप कब मिलेंगे उन्हें जी सुबह सात बजे ओके सात बजे तो इसके लिए अदरवाइज कोई खास क्राइटेरिया नहीं है कि आपने सिर्फ कहा कि उम्र का लिहाज करें क्योंकि आपके लिए बड़ा मसला होगा कि आपसे आप बड़े जो लोग होंगे शायद वो आपकी बात नहीं मानेंगे ऐसा नहीं होता खैर उस्ताद उस्ताद ही होते हैं जी जी अगर वो उम्र में कम भी हों तो वो फिर उस्तादी होते हैं खैर सरफराज आपकी और आते हैं हमें ये बताइएगा अभी जब ये हम फुटेज चला रहे थे फोटो चला रहे थे जो समीर ने साथ लाए थे मेरे जहन में यह आया कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे समाज में पनप रहा है उबर रहा है नासूर की तरह वो है ड्रग एडिक्शन का बुरी आदात में पड़ रहे हैं हमारे तो आप क्या समझते हैं कि खेल कूद एक बेहतरीन जरिया है बेहतरीन तरीका है जिससे हम ऐसी बुरी आदत से नौजवान को दूर रख सकते हैं क्यों नहीं ये तो मेजर रोल प्ले कर सकता है और कर भी रहा है स्पोर्ट्स okay. जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है कि ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है या जो फैल रहा है इस वक्त हमारी हमारे समाज में क्योंकि जब एक लड़का चाहे वो लड़का हो चाहे कोई भी हो जी जब उसके पास वो कोई पढ़ाई करता है या घर के काम में बिजी रहता है जो इसके पास फ्री टाइम होता है फ्री टाइम ऐसा भी हो सकता है उसकी कोई ऐसी, ख्याला ऐसे ख्याल आ सकते हैं ऐसी कंपनी में वो इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे बुरे आदा में वो फंस सकता है लेकिन अगर वो कोई भी स्पोर्ट्स ऑप्ट करते वो हो चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो चाहे कबड्डी हो जो, जो, जो कोई भी स्पोर्ट्स ऑप्ट कर सकता है तो फ्री टाइम में सिंपली वो अपने ग्राउंड में जा सकता है प्रैक्टिस कर सकता है कि उसके पास वो टाइम ही नहीं बचेगा कि वो बैड कंपनी में जाके और बुरे आदात में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है और इसमें स्पेशली पेरेंट्स का भी बड़ा रोल प्ले करना है क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ कोई बिजनेस करता है स्टडी करता है उसके साथ साथ बेटर है वो डिफरेंट अकेडमीज है इस वक्त ये नहीं कि श्रीनगर में ही हर गांव गाँव गाँ गाँ इस वक्त एट प्रेजेंट आप आप देख लीजिए कि गांव में इस वक्त बहुत सारे अकेडमीज ओपन है डिफरेंट एक्टिविटीज चाहे कराटे की हमारे अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में कबड्डी की अकेडमी चल रही है फुटबॉल की अकेडमी चल अच्छा। रही है मैं मैं खुद चला रहा हूं okay. तो रेफरिंग के साथ साथ मैं डील एस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन डील एस फुटबॉल कोच कोच हूं क्वालिफाइड कोच हूं मैं तो मेरी भी अकेडमी चल रही है रफियाबाद फुटबॉल अकेडमी वहां से मोर देन हंड्रेड आ, जो, जो हमारे जो बच्चे हैं ग्रास रूट के ग्रास रूट के बच्चे हैं तो पेरेंट्स को चाहे कि अपने बच्चों को इन अकेडमीज एकड़, में करें कर हाँ लेकिन वो, अगर वो ये गरज से कर रहे हैं कि नहीं मुझे इसको टाइम पास के लिए कर, करना है तो मैं मैं समझता हूं कि थोड़ा मैं अपना जो माइंड जो विजन है जो ब्रॉड करना करना हुँ। पड़ेगा हुँ। क्योंकि इस वक्त एट प्रेजेंट आपने अभी फरमाया कि हम पहले क्या होता था पेरेंट्स खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लेकिन मैंने भी खेला है जब मैंने खेला है आई गॉट द जॉब गवर्नमेंट जॉब तो इसके साथ साथ अगर जरूरी नहीं कि हर एक स्पोर्ट्स uh, मैन चाहता है लेकिन स्पोर्ट्स ने एक ऐसे एवेन्यूज भी रखे हैं गवर्नमेंट ने कि फॉर एग्जांपल अगर आपने दो नेशनल खेले आपकी कैटेगरी बन जाती दे। 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 है exactly. आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना हो या एमबीबीएस के लिए जाना हो तो आपके लिए एक सेपरेट सीट रहती है रिजर्वेशन रहती है जैसे रिजर्वेशन स्पोर्ट्स के लिए भी अलग रिजर्वेशन रिजर्वेशन हाँ अगर आप नेशनल अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें मेडल आते हैं तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखी है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करती हूँ को दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स में अगर कोई कोई भी बच्चा आता है तो उसका टाइम एक तो फिजिकली उसके लिए जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी बनी एक मशीन की तरह है जैसे हमारे पास अपनी पर्सनल गाड़ी था हम उसका ख्याल रखते हैं तो, तो दैट्स से जब एक्सरसाइज करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में तो हमारी बॉडी के लिए वो हमारी जो जो बॉडी इंटरनल ऑर्गन वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ जब आपकी बॉडी एंड माइंड ओके है साउंड है देन आप उसके बाद या पढ़ भी पाओगे कोई काम भी कर पाओगे जब आपकी बॉडी एंड माइंड साउंड है ही नहीं ना अच्छे से पढ़ पाओगे ना अच्छे से आप काम कर पाओगे तो जो जिस्म होता है उसी में एक तंदुरुस्त जहन पनपता है आपने सही बात कही मशहूर मकोला है ये और जिस तरह आपने कहा कि किस आप पार्टिसिपेट कराते हैं न सिर्फ खुद पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि आप अपने गांव के बच्चों को नौजवानों को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं खेलकूद में उस तालुक से कई यादगार लम्हात को आपने कैद किया है तस्वीरों की सूरत में और वो तस्वीरें सरफराज ने साथ लाई हैं आइए देखते हैं मिल कर ये एक सर्टिफिकेट है एक संत है बताइएगा कि ये क्या है एक्चुअली जो ड्यूरिंग कोविड जो है तो उस वक्त जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऑनलाइन कोर्स करवाए थे मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया उसी था किसान थी ये, ये बताइएगा ये जो बाकी तस्वीरें आ रही है नजीर साहब हमारे एच ओ मेरे टीचर जो है इनके साथ हमने फुटसल में पार्टिसिपेट किया था ओके दिस पिक्चर ये ये मैंने टीआरसी में, में मैच जो करवाते हैं ये आई लीग के मैच अंडर 18 के मैच जो थे वो मैं करवा रहा हूँ ये मेरे एकेडमी well, well. के रिसेंटली जो जो बच्चे आप देख रहे हैं yes. ये हमने एक प्रोग्राम करा था मैंने ग्रास रूट का इन कोलाब्रेशन विद डी वाई एस एस बारामूला एंड स्पोर्ट्स के साथ हायर सेकेंडरी दबगाव में मैंने किया था तो फाइव डेज का एक कोर्स था वहाँ पे मैंने वो किया था बहुत खूब बहुत अच्छा तो ये हमारे टीआरसी के मैच से जो यहाँ पे रियल कश्मीर का मैच में करवा रहा था मैंने गोल कीपिंग का कर करा था मैंने कोर्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ये हमारे सीनियर जो फारुक शाहन साहब है मुजफ्फर साहब थी इसमें जो चेयरमैन ने बहुत अच्छा तो आ, ये फर्स्ट अगर... जो रिसेंटली होता टी आर सी में पॉजिटिव का तो उसके में मैं, मैं, मैं पूछने जा रहा था आपसे सरफराज कि एक तो एक प्लेयर की हसियत से आपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है आपने कबड्डी खेला है आप फुटबॉल के मैच खेले हैं और इसी के साथ साथ दूसरे खेलों में भी आपने हिस्सा लिया है लेकिन उसके साथ साथ जब आप रेफरी बने जी। तो आपको किस तरह लगा कि बल्कि यूं पूछना चाहिए कि एक खिलाड़ी की हसियत से आपकी जिम्मेदारियां बनती है लेकिन एक रेफरी की हसियत से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं क्योंकि जब आप खिलाड़ी होते हैं तो सिर्फ टीम का प्रेशर आप पर होता है और आपकी परफॉर्मेंस पर भी आपकी तवज्जो मरकोज़ होती है लेकिन जब आपको जज बनाया जाता है कि आपको रेफरी जाना है तब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो क्या सोच के उतरते हैं मैदान में किस तरह मैदान में उतरते हैं जी जब कोई भी मैच होता है ये मैच सिर्फ दो टीमों के बीच में नहीं होता इट्स नॉट बिटवीन टीम ए वर्सेस टीम बी इज बिटवीन टीम ए बी एंड सी सी मीनस जो ऑफिशियल्स होते हैं जैसे टीम ए तैयारी करती है टीम बी तैयारी करती है जो मैं प्रोफेशनली मैं कहता हूं कि क्या होता है जैसे मैच करते हैं तो मैं उन नाजरीन के लिए भी जो फुटबॉल रेफरिंग के हवाले से एक मैसेज है उनके लिए yeah. कि वो कैसे मैच करें तो उसके पहले हमारा होता है कि जैफरी की पैनल जो होती है हमारी प्री मैच डिस्कशन होते हैं फॉर एग्जांपल मैं अपॉइंट हुआ है सेंटर रेफरी राइट तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी आई एम द हेड टू कंडक्ट द ऑफिशिएट दैट मैच राइट तो पहले प्री मैच डिस्कशन होता है मैं जो ए आर वन ए आर टू हमारे होते हैं उनको मैं गाइड करता हूं कि आपके कर्जे हाँ one, आपकी असिस्टेंट रेफरी वन असिस्टेंट रेफरी टू एंड फोर्थ ऑफिशियल उनकी मैं ड्यूटी समझाता हूँ क्योंकि मैच uh, में ऐसा नहीं होना है। अगर आप प्री मैच डिस्कशन के बगैर जाए फॉर एग्जांपल ए वन का फ्लैग ऊपर है हाँ। तो मैं गोल दे रहा हूँ वो ऑफसाइड दे रहा है तो टीम कंबिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप हाँ, जी जी करते जी हैं तो... क्योंकि लोग देखते हैं टीम्स देखते हैं कोच वो प्रोफेशनल लेवल के कोच हाँ। होते हैं तो जब अगर हम प्री मैच डिस्कशन करेंगे तभी एक टीम वर्क की तरह हम मैच को कंडक्ट कर पाएंगे और आफ्टर मैच उसके बाद भी डिस्कशन हाँ जी कहां पे गलती हुई कहां पे ठीक करना है exactly. तो माशाल्लाह लेकिन जब हम मैच में जाते हैं लेकिन तो फुटबॉल रेफरिंग के हवाले से तो मैं बताऊं एक रेफरी जो है इसे ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि इसमें सेवनटीन लॉज आपको डिसीजन विद इन सेकेंड देना है फॉर एग्जाम्पल और इसमें वो टाइम है ही नहीं कि आप बाहर जाएंगे तो फिर किताब खोलेंगे नहीं आपने व्हेन यू ब्लो द विसल ऑन स्पॉट ऑन स्पॉट आपको डिसीजन देना True. है तो 17 लॉज जो फुटबॉल के हैं वो आपके जो ही आपने विसल को ब्लॉक किया तो अप्रोप्रिएट आपका जो है वेदर इट्स अ डायरेक्ट फ्री किक इट्स अ पेनल्टी किक वेदर इट्स अ रेड कार्ड इट्स अ येलो कार्ड जो भी है तो ऑन स्पॉट ही आपको देना है लेकिन फुटबॉल रेफरिंग में कहा जाता है कि इट्स अ थैंकलेस जॉब क्योंकि जो वो इसीलिए जो टीम हार जाती है नेचुरली वो थे कि अक्सर तो कहेगी अच्छी नहीं जजमेंट सिंह जो टीम जीतेगी वो तो रेफरी को मे बी जो जीतने वाली टीम कल हारेगी तो जो रेफरी की तारीफ कर रही थी वो नेक्स्ट डे वो तो लगे कि उनको सही लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं देना अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है जो ही आप इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे तो उन रेफरीज के लिए मेरी एक सजेशन है हाँ। कि अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल कीजिए अपने गुस्से पे आप कंट्रोल कीजिए क्योंकि इसमें एग्रेशन ज्यादा होता है जो टीम हार जाती है जो तो नेचुरली उनका एग्रेशन लेवल जो हाई होगी तो रेफरीज को चाहे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करे और एक और मैं के मैसेज देना चाहूंगा अगर जो इंटरेस्टेड है रेफरीज के हवाले चीज़. से तो इसमें जेंट के फुटबॉल एसोसिएशन का काफी रोल है जो रेफरीज को प्रोड्यूस करते हैं हमारे एच ओ आर नजीर साहब जो है इस पर काम कर रहे हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक हम रफियाबाद में एक रेफरी रेफ्रेशर कोर्स करवा रहे हैं okay. तो उसमें जिन नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ कश्मीर के उसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई है तो वो हम करवा रहे हैं नजीर साहब आ रहे हैं और मैं खुद भी उसमें क्लास ले रहा हूँ खुद में साथ साथ रेफरिंग के साथ साथ दूसरी लड़कों को भी मैं ला रहा हूँ और पर्सनली मैं मतलब जा रहा हूँ कि उनके क्लास देने के लिए उनको तैयार कर रहा हूँ हमारे रफियाबाद से भी लड़के आए थे रिसेंटली जो श्रीनगर मिटी आर्स में टूर्नामेंट चल रहे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारे लड़के रफियाबाद की इस वक्त रियल कश्मीर मेरे स्टूडेंट्स रियल कश्मीर रिजर्व में इस वक्त वो खेल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो यंग जनरेशन है तो हम उनके उनके लिए अवेलेबल हैं उनके okay. प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम अवेलेबल हैं क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है जब आप उसको ट्रांसफर करोगे नेचुरली हाँ. तो उसमें इजाफा ही होगा True. और इट्स ये मेरी ड्यूटी है एज अ रेफरी इट्स माई ड्यूटी तो मुझे रेफरीज को प्रोड्यूस करना है उनको सही गाइडेंस देनी है राइट right. लेकिन एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में पहले भी आया था कि जिस तरह किसी क्लब के साथ कोई फुटबॉलर या कोई और प्लेयर किसी भी खेल के साथ मुनसलिक जो शख्स है उसे मालूम होता है कि इस क्लब के साथ मेरा कंट्रैक्ट है छः महीने का एक साल का तो इतने लाख इतने हजार मुझे मिलेंगे रेफरीज के हवाले से मैं बताइएगा कि क्या रोजी रोटी के हवाले से भी इमकान हैं कि अगर प्रोफेशनली कोई रेफरी बनता है तो ठीक ठाक कमा लेगा जी जी अगर आप एक प्रोफेश जैसे मैंने बताया हम नेशनल लेवल पे जा रहे हैं अगर अगले साल हमारा एग्जाम हो रहा है उसके पहले हम स्टेट्स में करते हैं okay. तो हमारा चोर जो कंडक्ट एग्जाम करते हैं या श्रीनगर में जो जे के के जो मैच होते हैं right. उसमें हमें मिलता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोपोर से आता हूँ एक तो मेरा जो टी है वो मिलता है ठीक okay. मिलते हैं साथ ही साथ जो स्पॉन्सर टूर्नामेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई टोर्नामेंट स्पॉन्सर कर रहा है कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई बिजनेस हाउस से आ रहा है कोई तो उसमें जे का उनके पास रहता है कि हम अपने टेक्निकल स्टाफ आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमारी डिमांड से है कि उनको फॉर एग्जांपल पर मैच हम थाउजेंड रुपीज देते हैं फॉर एग्जांपल है। तो अगर मैंने दस मैच किए तो नेचुरल मेरा टेन थाउजेंडेंट तो बन ही जाता है जी। तो उस तरह होता है लेकिन अगर हम नेचुरल नेशनल लेवल पे जाते हैं फिर फीफा लेवल पे जाते हैं वहाँ पे अच्छा आपका मॉनिटरी बेिफिट्स वहाँ पे ज्यादा है उसमें आपका आयर का सारा मिलता है ट्रैवल का और एकॉमोडेशन माशाला अच्छा मिलता है और कुछ साल पहले हम भी गए थे यहाँ पे एक ऑल इंडिया पुलिस का एक टूर्नामेंट हुआ था जेंट के पुलिस उसकी होस्ट थी तो पूरी कंट्री से पुलिस की टीम ज्यादा बड़े प्लेयर्स आए थे नेशनल लेवल के प्लेयर्स हम उसमें हम यहाँ पे दिल्ली तो से आए थे से पंजाब से आए थे और उसमें मैं खुद था हमारे कुछ और लड़के थे हम सीनियर रेफरीज थे, थे उसमें तो उसमें अच्छा पैसा मिला था मॉनिटर बेनिफिट्स बहुत अच्छा अकोमोडेशन बहुत अच्छी थी इससे भी कई हमारे नौजवान इंकरेज होंगे जी जी वो रेफरी का कोर्स करें या रेफरी की हसीियत से मैचों में शमूलियत करें उसके लिए क्या तरीकेकार है वो सरफराज ने समझा दिया आपकी और आते हैं समीर हमें बताइएगा कि एक तो ये होता है कि शौक के लिए कुछ करना है या फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ करता है लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका एक गोल होता है एक मकसद होता है कि अगर मैं सीखूंगा फुटबॉल तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा बड़े बड़े मुकाबलों में जिन बच्चों को आप ट्रेन करते हैं उनके लिए क्या आप ये पॉसिबिलिटीज भी तलाश करते हैं कि अगर कहीं पर कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां पर वो जाए उनको खिलाएं देखा जाए तो हमारा परसों मैच भी था पोलो ग्राउंड में पोलो अकेडमी के साथ तो उन्होंने उधर पर जीता बहुत अच्छा खेला उन्होंने उधर पे तो कहाँ जाए तो मैंने बहुत प्राउड फील किया था क्योंकि मेरी बच्ची मेरे एकेडमी के बच्चे जो थे बहुत अच्छा खेला उन्होंने Wonderful. और उनकी जो शौक है वो दिन ब दिन बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता जा रहा ही है, जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें बहुत सा हिडन टैलेंट छुपा था okay. और मुझे पता नहीं था या उन्हें खुद भी मालूम नहीं था हाँ उनको खुद भी मालूम नहीं था और क्या हुआ कि जब वो एकेडमी में आए तो मैंने देखा किसी का शॉट था किसी के पास स्किल्स थी किसी के पास मतलब शूट था राइट right. तो मैंने उनसे पूछा आप अच्छे से मेहनत करो हार्ड वर्क करो तो आप भी इनशाला 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 बहुत बड़े प्लेयर बनोगे जी तो मैच वगैरह में आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं अच्छा ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि फ्यूचर के क्या प्लान्स है क्या करना चाहते हैं खुद आप खेलते थे अब आप जाहिर सी बात है आपकी तवज्जो ज्यादा कोचिंग पर मरकोज है जी। खुद के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं आगे मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी अब इसी में प्रोफेशन बनाऊं मतलब मेरा यही पैशन रहे है, अब कोचिंग का ही और मैं इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को सिखाऊं आगे जाकर भी मतलब जब तक मेरी अब ये ब्रीथ चल रही है तब तक मैं इन्हीं बच्चों जी इन्हीं बच्चों के साथ अब मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ फॉर के लिए और मैं चाहता हूँ कि मैंने जे के एफ ए से भी बात की है इस बारे में okay. तो मेरी लाइसेंस होने वाली है अगर इस साल हो गई पॉसिबल तो इस साल मेरी लाइसेंस हो गई हो जाएगी बहुत अच्छा जपटना पलटना पलट कर जपटना लोह गर्म रखने का है एक बहाना परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना सरफराज आप के गांव के हवाले से हमने अखबार में पढ़ा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हब आपका गांव बन रहा है रात के दौरान भी आपने कबड्डी के कई टूर्नामेंट्स का एहतमाम करवाया ये बताइएगा हमें कि जब रात के दौरान आप इस किस्म के इवेंट्स का एहतमाम करवाते हैं गांव देहात के हवाले से पहले यह समझा जाता था कि लोगों का नजरिया उस किस्म का होता है कि ऐसी चीज़ों को इंकरेज नहीं करते उस नजरिए में कितनी तब्दीली आप देख रहे हैं उसमें जैसे आपने बताया हमारे गाँव में तो हमारे गांव में मतलब अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करिए हमारी साइड से फुटबॉल और दूसरे साइड से कबड्डी वहाँ पे कबड्डी जो है मेरा एक फ्रेंड शाहनवाज सर्वर लेक्चर फिजिकल एजुकेशन से उसका जो टूर्नामेंट था इन कोलैबोरेशन विथ यूथ एंड स्पोर्ट्स डिवेस okay. एस ओ बारामूला okay. लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने जो कबड्डी का जो सीनेर पूरे स्टेट में जो यूटी में जो है चेंज ही कर दी हाँ और मैट्स का हमारे पास कंसेप्ट नहीं था हम ग्राउंड्स पे खेलते थे कबड्डी लेकिन उसने जो विद द स्पोर्ट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मैट्स का उन्होंने जब उन्होंने मैट्स लाए तो लड़कों के लिए एक अजीब बात थी नेचुरली उनको हम तो ग्राउंड पे खेलते थे लेकिन जो अभी ये एक्सपोजर क्योंकि जब लड़के बाहर जाते थे वहां पे मैट्स पे इंडोर्स में होता था हम तो ग्राउंड पे खेलते थे नेचुरली परफॉर्मेंस पर फर्क आ ही जाता रहा था लेकिन जो लोग अगर आप अगर आप देख देखते फोटोग्राफ्स में या उसके वीडियोस देखेंगे हजारों में लोग जो है रात के नौ नौ बजे मैच चलते हैं ऑन लाइट्स और साथ ही हमारे एरिया में फुटबॉल का भी हमने नाइट्स में टूर्नामेंट किया okay. तो श्रीनगर से, से टीमें उसमें आई अच्छा जी श्रीनगर में श्रीनगर से, से हमने टीमें वहां पे लाई और नाइट्स में वो भी मेरे फ्रेंड नहीं की उसमें मैंने मैच मैच करे और फुटबॉल और कबड्डी में तो वहां पे बहुत ही ज्यादा और हमारे गांव में एक और बात मेरे गांव के लड़का मेरा एक फ्रेंड महराज दीन फास्ट बॉलर ए जी ऑफिस में है तो आई थिंक ही इज फर्स्ट फ्रॉम जे एंड के जिसे बुलाया गया था राजस्थान रॉयल्स आई पी ट्रायल्स में okay. लेकिन वो पहला लड़का था जहाँ यहाँ से जो राजस्थान रॉयल्स में चला गया था ट्रायल okay. ट्रायल्स ट्रायल्स के लिए जी और मेरी साइड से मेरी स्टूडेंट इकर रसूल जो आप हाँ, स्टूडेंट इस वक्त ट्वेंटी थ्री जे के सी में जो सिलेक्ट हुई है इस वक्त वो आउटसाइड कोचिंग कैंप कोचिंग कैंप में है तो हमारे गाँव में स्पोर्ट्स के हवाले से और ज़्यादा, मारे, मारे, बहुत ही ज्यादा काफी रुझान है और बहुत अच्छा माहौल बन रहा रहा है है लोगों का भी सपोर्ट हो थोड़ा सा वक्त है तीस तीस सेकंड का पैगाम चाहेंगे आप दोनों का पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है बच्चों के लिए क्या मैसेज है सबसे पहले आप मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि घर में ना बैठे कोई भी स्पोर्ट्स है घर में ना बैठे घर में बैठना भी जरूरी है वालदेन आप बहुत नाराज हो जाएंगे लॉकडाउन की वजह से लाइटर नोट जी जी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन की वजह से वो घर पे बैठे हाँ। हुए हैं तो वो घर पे ना बैठे फिजिकल एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज करे चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो, हो या कोई, हो, भी, कोई हो। भी गेम हो वो खेले, वो खेले। wonderful, wonderful बहुत ही अहम पैगाम सरफराज आपका पैगाम मेरा पैगाम है पेरेंट्स से जैसे हम वो एज अ ऑप्शन देखते हैं कि डॉक्टर बने इंजीनियर बने आप ये भी देख लीजिए कि स्पोर्ट्स भी एक ऑप्शन बन सकता है जी 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 स्पोर्ट्स पर्सन भी नो स्पोर्ट्स में भी है जैसे मैं खेल रहा था मैं भी आ, माशाला अच्छी खासी की बदौलत इसी की, की बदौलत में रोजगार में में रो, रोजगार मुझे मिला और मेरे वंडरफुल बहुत ही जबरदस्त पैगाम आप दोनों के आप दोनों को कहना चाहूंगा पूरी टीम की जानब से बेस्ट ऑफ लक आप ऐसे ही एक्सल करें आगे बढ़े और लोगों की तरबियत करें नौजवानों को अच्छी राह पर गामजन करें बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का थैंक यू वेरी मच नाजमी भी बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के शुमारी में हमारे साथ आपसे वादा रहा कि कल सुबह आठ बजे टीवी सेट ऑन करेंगे गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के एक और शुमारी को देख पाएंगे बच्चों को ढेर सारा प्यार बुजुर्गों और खवन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा हैव अ ग्रेट एड अल्लाह हाफ नासिर